हेलो यूट्यूब, आज मैं रिबन एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ और उसमें रिबन के साथ साथ मैं ये सीक्वेंस भी यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो रिबन यूज़ हुआ है वो ग्रीन वाला जो है वो ये वाला इस साइज़ का मैंने किया है, 3 mm वाला। और जो ये वाला कलर है इसका मैंने ये वाला साइज़ यूज़ किया। इसमें पहले हम स्टेम बनाएंगे और स्टेम में स्टेम स्टिच के साथ बना रहे हैं। और जब रिबन का स्टेम स्टिच बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लंबा स्टिच लेते हैं, जब धागे से बनाते हैं तो उसमें क्लोज क्लोज लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखेंगे, फार लेंगे। और फिर जो हम नीडल निकालेंगे वो हम इसके साथ इस लेवल पे निकालेंगे, इस लेवल पे। जैसे ये वाला यहाँ पे रिबन है यहाँ पे, तो हम जो नीडल निकालेंगे अगले स्टिच के लिए वो हम इसके बिल्कुल बराबर ऐसे निकालेंगे। और रिबन को आप नीडल के साथ ही उसे सेट करेंगे, क्योंकि जितना आप हाथों के साथ करने की ट्राई करेंगे उतना ही रिबन ख़राब हो जाएगा। यूँ ऐसे इसे फिंगर में पकड़ लें आप, इस तरह से यूँ इस तरह से जाने दें इसे, और फिर ये यूँ नीडल डाल लें इसके अंदर और यूँ ऐसे। अब हम ये लीफ बनाएंगे और ये मैं लेजी डेजी के साथ बनाऊँगा। आप इसे ब्लैंकेट स्टिच के साथ भी बना सकते हैं, जिसे बटन होल स्टिच कहते हैं, साटन स्टिच के साथ भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपको जो अच्छा लगे स्टिच और इजी लगे आप उसी के साथ बनाते हैं। अब हम ये फ्लावर बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, सबसे ऊपर से, ऊपर वाली लेयर जो है इसकी। और इतने डिस्टेंस पे आपने बिल्कुल उसके सामने ही स्ट्रेट दोबारा इसको आपने वापस करना है, नीडल गुजार नहीं। अब सेम कलर का आपने धागा डालना है इस वाली नीडल में, जो आम रेगुलर होती है उसमें। और आपने यहाँ पे इसे स्टिच कर देना।
अब इस तरह से आपने इसका लेवल करना है ताकि दोनों एक जैसे ही हों, इसके यूं सेम साइज होना चाहिए। और दोबारा आपने इसे फिर दोबारा से इसे स्टिच कर दें। अब इसी तरह से आप सारे बनाते जाएंगे और उन्हें यूं स्टिच करते जाएं। अब हम ये वाली दूसरी लेयर स्टार्ट करते हैं। वो भी आपने सेम उसी तरीके से ही बनानी है। और अब हम इसमें ग्रीन कलर के सितारे लगाएंगे।
और दूसरा सितारा लगाने के लिए दोबारा हमने यहाँ से गुजारना है इसी सितारे में से, और फिर ये इस तरह से दोबारा इसमें आप डालें। अब पिछले सितारे में से हम दोबारा गुजारेंगे नीडल यूं, सितारे लगाने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं जैसे जो तरीका आपको इजी लगे। हमें देख लेना है कि हमें कितनी जगह को फिल करना है, क्योंकि हमें इस तरह से ट्रायंगल सा बना हुआ है इसे फिल करना है, इसलिए हम ये सेंटर में सेपरेट से लगाएंगे और फिर इधर एक दो सितारे लगा देंगे। अगर आप लाइंस में लगा रहे हैं फिर तो आप लाइन्स में ही चलेंगे। इसी तरह से आप इसमें भी सितारे इसी तरह से लगाएंगे जैसे यूं ऐसे, सेम इसी तरह आप सितारे लगाएंगे इसके अंदर भी, और अगर आप चाहें तो इसी कलर के कहीं कहीं बीच में भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत फैंसी से इसका लुक आ जाता है। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।